शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सुशूद्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रज्ञानां सुव्रतानैः शीलचरनिकर व्याप्य लोकान् भोक्ता भोगास्तविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पिबा सर्वान् विशेषान् शमिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडूक्य उपनिषद के अगाध शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार हो रहा है। कितना प्रकरण है इसमें? चार चतुर्थ है, चार ही प्रकरण। पहले का नाम है आगम प्रकरण। उसमें क्या किया गया? श्रुति वाक्य के आधार पर जो अगर पारमार्थिक शास्त्र वस्तु नहीं है वो सिद्ध कर दिया। जो श्रुति से सिद्ध किया गया अर्थ को युक्ति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, ये वैतत्व प्रकरण में दिखाया। तो सारा संसार जब मिथ्या है तो अधिष्ठान रूपी जो व्यापक तत्व है वो भी मिथ्या ही होगा। तो बोलते नहीं, अधिष्ठान मिथ्या नहीं होता। तो अद्वैत निर्विशेष व्यापक तत्व पारमार्थिक सत्व वस्तु है, इसको अद्वैत प्रकरण में सिद्ध करते हैं। समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु जब आप बोल रहे हैं कि ये सत्य नहीं है परंतु हमें तो प्रतीति हो रही है, वो कैसे होता है? तब अलग शांति प्रकरण मतलब क्या है? जिस प्रकार एक डंडे के माथे पे आग लगा के रखेंगे वहाँ पर कोई आकार नहीं है, परंतु उसको हम किसी प्रकार से घुमाएंगे तो कई आकार में दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, वासनाओं की वेग से ये जगत दिखाई पड़ता है। ये जगत की प्रतीति होती है। वासना नहीं है तो जगत नहीं दिखाई पड़ता। जगत एक वस्तु चिंता नहीं होगी अपना मनुष्य ही अमन ही भावे नहीं तो मन यदि अमन हो जाता है तो भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। एक अधिष्ठान शुद्ध व्यापक तत्व दिखाई पड़ेगा। आज बताएंगे कि हम स्वप्नों को मिथ्या क्यों बोलते हैं, स्वप्न को मिथ्या क्यों बोलते हैं। उपयुक्त देश नहीं है, उपयुक्त काल नहीं है, उपयुक्त स्थान नहीं है, है ना? ठीक इसी प्रकार जो वो जगत जहाँ पे उपयुक्त शुद्ध एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें कोई परिणाम होना का भी संभव अपरिणामी वस्तु अभिकारी वस्तु है वहाँ भी हमको दिखाई दे रहा है। शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण हम स्वप्नों को मिथ्या बोलते हैं, क्यों बोले? तो विराट शरीर के अंदर ये जब जगत दिखाई दे रहा है मिथ्या क्यों नहीं होगा? ठीक है एक। और फिर जहाँ पे जो होना संभव नहीं है वहाँ पे यदि वो दिखाई देते हैं तो उसको हम मिथ्या बोलते हैं। जब शुद्ध निर्विशेष व्यापक तत्व सामने है और जहाँ पे कभी विकार परिणाम होना संभव नहीं है वहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं प्रकृति मात्र हो रहा है, इसीलिए मिथ्या क्यों नहीं हो? ये जो पहले कथन का जो वैतत्व प्रकरण में कथन करके आए थे, आप मुक्ति को बंध और मुक्ति को लेकर के विचार करते हुए
अलग अलग वादियों की सृष्टि की प्रक्रिया अलग अलग है। सांख्य दर्शन की सत्कार्यवादी है, न्याय विशेषित दर्शन असत्कार्यवादी है, पूर्व मीमांसा दर्शन सृष्टि को नित्य मान लिया, वेदांती जगत को मिथ्या मानते हैं, और बौद्ध दर्शन में जगत को क्षणिक माना, कोई वादी ने बाहरी वस्तु को अस्तित्व माना, कोई वादी ने नहीं माना, कोई वादी ने शून्य सुत्पत्ति ऐसा माना। सभी वादियों की सृष्टि प्रक्रिया को अलग अलग विचार करते हुए दिखाई देता है। वो सब आपस में लड़ते रहते हैं, तुम्हारा सिद्धांत सही नहीं है, तुम्हारा सिद्धांत सही है। हम केवल वेदांति बोलते हैं बिल्कुल लड़े रहो, हम उसका अनुमोदन करते हैं, और इससे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं, सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं। अंतिम में मुक्ति को लेकर के जो विचार होना है, ये मुक्ति जी साधन के द्वारा उत्पत्ति होने वाला वस्तु है जो पहले नहीं था अथवा पहले से विद्यमान है। तो वेदांतिक सिद्धांत क्या है, बंधन और मुक्ति दोनों ही तुमने अपने ऊपर कल्पना कर रखा, परंतु कई वादियों ने यहाँ पे जो है मुक्ति को पारमार्थिक सत्य भी मानते हैं और उत्पत्तिशील भी मानते हैं। क्या विरोध हो गया, पारमार्थिक सत्य भी मानते हैं और साधन से उत्पत्ति भी होते ऐसा मानते हैं, ये व्याघात है। व्याघात दोष है, जिसकी उत्पत्ति होगी वो अनिवार्य रूप से उसका नाश होना ही है, तो पारमार्थिक सत्य तो नहीं हो सकता। इसलिए कितना देखिए, एक बार सिद्धांत समझ में आता है तो आप कभी भी ये गलती नहीं होगा, ये मुक्ति उत्पत्ति होने वाला वस्तु नहीं है, केवल एक बात ही है, कई बात ही मानते हैं, फल रूप में मुक्ति को मानते हैं, कोई सर्वलोक मुक्ति मानते हैं, कोई ब्रह्मलोक को मुक्ति मानते हैं, कोई जो है अब अन्य लोक को मुक्ति मानते हैं, जिसको शिवलोक विष्णुलोक ब्रह्मलोक भी मानते हैं, और वेदांति आत्मलोक को मुक्ति मानते हैं, और आत्मलोक जो है देशांतर में कालांतर में लोकांतर में प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है, सर्वभूत होकर के विद्यमान है और अभी भी विद्यमान है, चाहे हम अपने को कितने भी बंधन में मान लिए, मुक्ति वहीं पे विद्यमान है, केवल समझ की कमी है। इसको समझाते हुए देखिए कल हम लोग इस श्लोक को पढ़ लिए, देखो यदि तुम इसको मुक्ति को आदि वाला मानो, संसार को यदि अनादि मानोगे तो भाव वस्तु अभावात्मक नहीं, भावात्मक परमात्मिक कोई वस्तु यदि उसको अनादि मानोगे तो उसको अनंत ही मानना पड़ेगा, और कोई अब मैंने स्वाभिमान भाव वस्तु यदि किसी को मानोगे तो उसको अंतमान मानना पड़ेगा। संसार को तुम अनादि मानते हो तो संसार का कभी नाश नहीं होगा, और मुक्ति को तुम शादी मानते हो मुक्ति कभी अनंत नहीं होगा, सिद्धांत ही पलट गया। हम क्या बोलते हैं, संसार नाश हो जाता है ज्ञान से और मुक्ति निरंतर रहता है, और सिद्धांत क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, संसार का नाश नहीं होगा और मुक्ति जो है मतलब अनित्य हो जाएगा। अब ऐसा मुक्ति कोई नहीं चाहता है, क्योंकि यदि ऐसा मुक्ति चाहेंगे तो अन्य फल से भिन्न ही क्या हुआ, सर्ग फल से इसका भिन्नता ही क्या हुआ। इसलिए आदावंते जो जब नास्ति वर्तमान तथा वितथैर सदृश शांत और वितथा एक लक्षित, एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं दोनों श्लोक मुझे चलना है। आदावंते जन नास्ति वर्तमान तथा क्या हो गया जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, इस प्रकार की वस्तु यदि बीच में प्रतीति हो जाए, समझने को नहीं है, प्रतीति मात्र ही है, दृष्टांत क्या है आपके पास, कोई भी भ्रांति स्थल देख लो, रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहे हैं, सुक्ति के ऊपर रजत दिखाई पड़ते हैं, स्थानों को पेड़ मतलब एक कटा हुआ पेड़ को पुरुष समझ लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मरुभूमि के बाली को पानी समझ लेते हैं मरीचिका में। ये जो भ्रांति स्थल में है, ये भ्रांति स्थल में वहाँ पे जब तक मैं नहीं देख रहा था वहाँ पे सर्प नहीं था, मैंने देखा तो गलती मतलब नहीं समझने के कारण सर्प रूप में प्रतीति हुई, और जैसे हम वहाँ पे जा करके देख लेंगे सर्प तो सर्प नहीं है, तो आदि में भी नहीं है अंत में भी नहीं है, तो बीच के जिस समय में उसकी प्रतीति हो रही थी उस समय वस्तु वहाँ पे है कि नहीं है, केवल हमारी प्रतीति मात्र है। इसको कहाँ घटाएंगे, अपने शरीर में घटाओ तो वेदांत पक्का समझ में आ जाएगा,
है ना, जो हमारी कल्पना से पहले ये नहीं थी और ज्ञान हो जाएगा फिर भी ये नहीं रहेगा। परंतु क्या ये भी, क्योंकि ये भी मिथ्या वस्तु है, एक कुछ देर के लिए प्रतीति होती है और इस प्रतीति को अवलंबन करके वो प्रतीति हुई तब जाकर के हमने वहाँ पे ठीक से देखा, नहीं तो नहीं होगा। ये प्रतीति हुई इसका अवलंबन करके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा और ज्ञान होते ही इसके ऊपर जितना कल्पना कर रखे थे यहाँ तक भी ये जो प्रारब्ध प्रारब्ध होते हैं पता हो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प का क्या प्रारब्ध चिंतन कर लो, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प का क्या प्रारब्ध होगा, वो भी जो है एक हाँ शरीर के लिए मान लो प्रारब्ध वास्तविक है नहीं, ज्ञानी को तीनों ही नहीं रहता, तीनों ही नहीं रहते ज्ञान होने के बाद, देखने वाले की दृष्टि से व्यवहार करते हुए देखने के कारण शास्त्र उसका अवलंबन करके बोलते हैं प्रारब्ध का मानते हैं, परंतु पारमार्थिक ज्ञानी की दृष्टि से वो भी नहीं है। आदावंते चजन नास्ति वर्तमाने पिता तथा, जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा वो वर्तमान में भी नहीं है, वो वितथे सदृशा संत मिथ्या की तरह होते हुए मतलब नहीं होते हुए भी प्रतीत होने का, परंतु जब तक हमको तो मन में वासनात्मक डर राग द्वेष बैठा है ना, सर्प के कभी ये हुई जो संस्कार काट सकते हैं मेरे को, मेरे को काट सकता भागने का कोशिश करेंगे, रजत अरे ये चांदी है तो बेचने से पैसा मिलेगा, राग और द्वेष दो राग का दो द्वेष का जो चार भ्रांति स्थल हम देते हैं दो हो गया राग की दृष्टांत, एक हो गया सुक्ति का में रजत और मरुभूमि में पानी और द्वेष का दृष्टांत हो गया सर को स्थान में दोष, इससे व्यवहार होता है, इससे व्यवहार होता है। तो क्या हो जाएगा कि वो पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं होते हुए भी क्या होगा, सत्य जैसा जब तक मैं उसको भ्रांति नहीं मिलेगी तब तक हमको सत्य ही दिखेगा जगत, तब तक सत्य दिखने लग जाएगा। आप जो अगला वाला जो श्लोक बोल रहे हैं वो अब स्वप्रयोजनता तेषा है ना, जिस प्रकार जागृत में मैंने कोई वस्तु को देखा, आप प्रशंका होती है यहाँ पे आप जागृत को कैसे मिथ्या बोल रहे हो, स्वाप्निक वस्तु थोड़ी देर के लिए रहता है फिर ठीक है जगने के बाद चला जाता है, उसका से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं देश में होता, जागृत वस्तु से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, लंबे समय तक हम एक ही चीज देखते हैं वो कैसे बोल रहे हैं, जागृत में कैसे ऐसे होता है, तब जागृत और स्वप्न एक नहीं है ऐसा शंका उठाने पर बोलते हैं, अरे भाई जरा विचार करके देखो जागृत में खा पी के तुमने सोया और स्वप्न देख रहे हो, सात दिन से नहीं गया जंगल में भटक कहा कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहे हो सकते खाने के कारण गैस हो गया इसलिए हुआ होगा, तो जो देखते हो जागृत में खाया पिया हुआ वस्तु तुम्हारा क्या काम आया, रात को 9 बजे खाया 9:30 बजे सुबह 10 बजे दिखाई दे रहा है तुमको, 10 बजे भी नहीं तुम आधा घंटे में सोया स्वप्न दिखाई दे रहा है, मैं सात दिन से कुछ नहीं खाया मैं भटक था। स्वप्रयोजनता तेषा मतलब जागृत की वस्तु को जो प्रयोजन होता स्वप्न भी प्रतिपद्य थे, स्वप्न उसका कुछ भी काम नहीं था, जिस प्रकार स्वाप्निक वस्तु जागृत अवस्था में काम में नहीं आने के कारण हम स्वप्निक वस्तु मिथ्या है ऐसा बोलने में हमें कोई शंका नहीं, जागृत की वस्तु भी तो स्वप्न में काम नहीं आता, जागृत आप देखिए आप कहाँ पे बोल रहे हैं, मुक्ति के लिए बोल रहे हैं, मुक्ति के लिए बोलते हैं सब पर, ये मुक्ति की जो निरदेश नित्य आनंद की प्राप्ति ये जो प्रयोजन है जब तक आप स्वप्न में रहोगे विप्रतिपत्ति विवृद्ध हो जाएगा, वहाँ पे तो बोले थे जागृत स्वप्न प्रबंच में मिथ्या बोल रहे हैं, यहाँ पे केवल मुक्ति के ऊपर खड़ा होकर विचार करो क्या बोल रहे हैं, वो तुम जागृत का मिथ्या क्यों बोलते हो, क्योंकि जागृत की प्रयोजन वस्तु स्वप्न की प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, स्वप्न की वस्तु जागृत की प्रयोजन सिद्ध था, अब जो है मुक्त अवस्था को लेकर के मुक्त यदि तुम मुक्ति को अत्यंत मंत्र मानो इस कारण से मिथ्या है, और जब तक तुम स्वप्न अवस्था में रहोगे तब तक मतलब मुक्ति की जो प्रयोजन मतलब आनंद फल परमन फल वो सिद्ध नहीं होगा, सब प्रयोजनता तेषा स्वप्न भी प्रतिबद्ध है ना, जो स्वप्न मतलब क्या हो जाएगा अन्यथा ग्रहण जब तक होता रहेगा, तब तक ही अन्यथा ग्रहण होता रहेगा तब तब तक तो जो मुक्ति का जो प्रयोजन है मतलब निर्देश आनंद में रहना सिद्ध नहीं हो पाएगा, तुमको तो अनुभव में नहीं आएगा, तस्मा इसलिए अद्दंत वत्तेन आदि और अंत वाला होने के कारण अद्दंत वत्तेन आदि अंत वाला होने के कारण मिथ्यैव खलु ते स्मृता महापुरुषों के द्वारा ऋषि मनुष्यों के द्वारा ये स्वप्न भी जागृत का भी मिथ्या ही है, जागृत भी मिथ्या ही है, यहाँ पे क्या है यहाँ किसको लेकर बोलता है, हाँ बंधु मोक्ष में मिथ्या ही है,
दोनों मिथ्या है। अरे तभी तो ये पीछे पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि बंधन को मान्यता दे करके तो मुक्ति के लिए प्रयास कर, तो आत्मा में कहा बंधन है, कहा मुक्ति है? आत्मा तो नित्य मुक्त है। उस श्लोक को यहाँ पे उद्धृत किया भाष्यकार, कुछ नहीं लिखा, अब अपने दिमाग में लगाइए क्या कहना चाहता है यहाँ पे। आनंद गिरि जी कुछ था समझाएंगे, ये बंध और मुक्त दोनों ही, इस प्रकार जागृत स्वप्न दोनों ही मिथ्या है, जागृत स्वप्न दोनों ही मिथ्या है, ठीक इसी प्रकार बंधन और मुक्त ये भी दोनों ही मिथ्या है, दोनों में पारमार्थिकता नहीं है, मान्यता दे करके हम सोचते हैं इसको। तस्मात अज्ञातवत्ते न मिथ्यैव खलु तिस्मिता, ये मिथ्या एव बोल करके फिर खलु भी बोल रहे हैं, मिथ्या ही है, निश्चित ही वो मिथ्या है। इस प्रकार से स्मरण करते हैं, कौन लोग स्मरण करते हैं? ऋषि लोग हैं, ऋषि लोग की यही स्मृति है। क्या मिथ्या है? बंधन मुक्ति भी मिथ्या ही है, बंधन मुक्ति भी मिथ्या ही है। भूल जाता हूँ मैं शुरू में, इसको म्यूट कर, बंधन मुक्ति मिले। तो देखिए यहाँ पे भाष्यकार कुछ नहीं लिखा इसको, वैतथ्य कृत व्याख्यानों, वैतथ्य प्रकरण में इसका व्याख्यान किया गया, मतलब 6 और 7 नंबर है उसमें जो है, यही द्वितीय श्लोक के लिए ऐसे पहले शंका उठाया, आप स्वप्निक वस्तु को मिथ्या बोलते हो समझ में आता है, जागृत को मिथ्या कैसे बोल रहे हो? तो उसके उत्तर में क्या बोला था, स्वप्रयोजनिता देशम, तो आप हाँ, तब यहाँ पे इसी प्रकार बंध और मुक्ति ठिकाई नहीं हो पाएगा, बंधन को तो आपको बंधन अनुभव हो रहा है, तो ये भी तुम्हारा कल्पना ही है, और मुक्ति की जो प्रयोजन वो तुम्हारा तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक तुम अन्यथा ग्रहण होता रहेगा, जब तक अन्यथा ग्रहण होता रहेगा तब तक मुक्ति का मतलब निर्दोष आनंद को प्राप्त नहीं करना, यथार्थ ग्रहण होगा तो निर्दोष प्राप्त होगा। इसलिए मतलब वैतथ्य कृत व्याख्यानों, वैतथ्य प्रकरण में जिसका व्याख्यान दिन दोनों श्लोक का व्याख्यान करते हैं, कृत व्याख्यानों श्लोकों, दो श्लोक है ना बोलते हैं यहाँ पे, यह मतलब इस अलग शांति प्रकरण में संसार मोक्ष अभाव प्रसंगेण पठित हो, संसार का अभाव नहीं होगा और मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाओगे उसका अभाव प्रसंग। देखिए दोनों भगवान भाष्य का क्या बोल दिया, संसार मोक्ष अभाव प्रसंगेण, मतलब यह संसार का अभाव नहीं होगा फल तो क्या हो जाएगा, कभी मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। इस प्रसंग में इसको कहा, इस प्रसंग में हमें कहा, यह भाष्यकार के शब्दों को आपको अपने विचार करके लगान क्या बोलना चाहता है, क्योंकि क्या बोल कर क्या था पहले वहाँ पे, जो संसारस्य और अनादि अंतर्वत्तम जो संसारस्य न सत्यति और अनंतता से आदि मतलब मोक्ष से न भविष्य, इस श्लोक के ऊपर ये चीज इसको प्रतिपादन करने के लिए ये दोनों श्लोक को यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज को समझना है। जो मतलब वैतथ्य कृत व्याख्यानों श्लोको इह संसार मोक्ष अभाव प्रसंगे न पठित हो गया, और कुछ नहीं लिखा भगवान भाषण करने, मतलब आनंद के लिए कुछ मदद करते हैं हमको भाष्यकार इस पंक्ति को कैसे समझें समझने के लिए। आनंद गिरि जी क्या बोलते हैं कि अस्तु तही, ठीक है, मोक्ष से अज्ञातवत्तम, पहले बोला ना यदि आदि अंत वाला होगा तो तुम्हारा, परंतु जब उसके सिवा यदि हमने ऐसा मान रखा कि मोक्ष को उत्पत्ति होने लगा, कई वादियों ने माना साधारण के तरह मुक्ति हम उत्पन्न करते हैं, अधिकतर वादी कई मान्यते हैं, वेदांती बोलते हैं कि मुक्ति तुम्हारा नित्य स्वरूप है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं अस्तु तरी, तब ऐसे ही मान लिया जाए मोक्ष से अत्यंतवत्त, मतलब उत्पत्ति विनाश से साधन का उत्पन्न करेंगे, कुछ दिन भूख करके फिर आ जाएंगे, तब आहो यदि ऐसा मानोगे क्या गलती होगा, वो जो कुछ दिन तुम भोग समझ रहे हो ना वो भी तुम्हारा भ्रांति होगा, भोग नहीं होगा, क्योंकि जो आदि अंत वाला होता है वो बीच में भी नहीं होता, जो आदि अंत वाला होता है वो बीच में भी नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए बीच में भी जो तुम सोच लो कुछ दिन जाकर कम सर लोग का आनंद लेके जैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। वहाँ पे तरही शब्द 5 नंबर टिप्पणी, अस्तु तरही, ठीक है, तरही क्या बोलते हैं, तरही मतलब अनंतत्व अभावे, जब मुक्ति अनंत नहीं हो पाया आपने ऐसा दिखाया तब क्या हो जाएगा, ठीक है आदि अंत थोड़ा ही मान लेंगे, अधिकतर बात यही मानते हैं साधन करो, साधन करने से जो सर्वलोक में जाओगे फल भोगे, कुछ सर्वों को मुक्ति माना पूर्व में अंत दर्शन आदि अंत वाला है, और फिर उपासना के द्वारा जाओगे ब्रह्मलोक जाओगे, ब्रह्मलोक का सुख भोग के फिर आना पड़ेगा, केवल इतना ही लंबा समय, इमं मानव हम आवर्तव ना आवर्तव, इस मनु के काल में नहीं आओ, परंतु वहाँ भी आवर्तन है, एकमात्र मामुपेत तो कौन तेगा पुनर्जन्म,
न स्वरूप को प्राप्त करने पर फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु जब ऐसे नहीं हो पा रहा है तब क्या बोलते हैं कि अनंतत्व अभावे तो उसको तभी मोक्ष अंतत्व उसका आदि अंत वाला ही मान लिया जाए। यदि ऐसा मानोगे तब क्या हो जाएगा, जो आदि अंत वाला होता है ना, वो जो आदि अंत वाला होता है वो बीच में होता है, बीच में केवल प्रतीति होती है परंतु पारमार्थिक नहीं होते, इसलिए होते हैं आधा आधा बनते जन नास्ती वर्तमान में देता। तो जब जन नास्ती को देखो अभी जत पद आया है ना, जन नास्ती वर्तमान में भी ऐसा, तो दृष्टांत क्या है, जत इति उषर उदक आदि मरुभूमि में दिखाई दे रहा पानी की तरह, उषर उदक आदि जत शब्द अपने आधा बनते जन नास्ती, वो जत शब्द का मतलब जत नकार पर नकार हो गया, वहाँ पे बोलते हैं जत इति कौन सा पद है ठीक है मूल का, हाँ मूल में जत पद है उसका तो क्या कर दिया भ्रांति स्थल, जैसे आदि शिक्षा भी किसी भ्रांति स्थल में आप देख लो, भ्रांति स्थल सबसे वेदांतिक नास्तिक दृष्टांत है मरुभूमि की दृष्टांत, मरुभूमि में पानी की दृष्टांत, यदि बोलते हैं जत इति उषर उदक आदि गृहते जत शब्द के द्वारा क्या दिखाई दे, किसको ग्रहण करना पड़ेगा, मरुभूमि में दिखाई दे रहा है जो पानी उसको ग्रहण, तो मरुभूमि में दिखाई दे रहा है जो जलाशय सुंदर लग रहा है, हमें प्यास लगी हुई है, हम उसके पीछे प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते पानी तो नहीं मिलता, हमारी प्यास बढ़ती जाती है, फिर वहीं पर समाप्त हो जाती है, और कोई अगर सुकृति रहा जन्मांतर कोई मिलता है बोलते वहाँ पे नहीं है चलो यहाँ पे पानी पी लो फिर वापस जाओ। स्वामी जी 2 किलोमीटर पार गए, बिल्कुल हमारे जैसे व्यक्ति नहीं, स्वामी विवेकानंद के जीवन में 2 किलोमीटर ऐसे गए, वो कोई आधार व्यक्ति नहीं थे, किंतु बाद में उसको समझ, फिर दूसरा दिन भी वैसे ही चाक्षिकता को दिखाई देते हैं, परंतु निश्चय है यहाँ पर वस्तु नहीं है, ये जो है जैसे उसे उतरे बिल्कुल ही उतर सबसे बड़ा दृष्टांत है, उसे रोतक आदि गृह करते उसे रोतक आदि ग्रहण करें तथा वस्तु तो नास्ती ये वही जगत, मतलब क्या होगा पारमार्थिक दृष्टि से पानी वहाँ पे कभी है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये तो दृष्टांत, दृष्टांत में क्या हो जाएगा पारमार्थिक दृष्टि से मुक्ति क्या वस्तु है तुम कभी अनुभव ही नहीं कर पाओगे, पानी तो वहाँ पे है नहीं, तुम पानी के पीछे दौड़ रहे हो मुक्ति के पीछे कोशिश करोगे, अब मुक्ति के पीछे है नहीं जो जिसको समझ बता दिया अंत वाला है, वास्तविक वहाँ पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपको जो मुक्ति के आनंद नहीं ले पाओगे, यही होता है तथा वस्तु तो मतलब क्या हो जाएगा पारमार्थिक दृष्टि से वो वस्तु वहाँ पे है नहीं, इति इसका विपरीत अर्थ है, यदि ऐसा ही है तो हमें सत्य जैसा प्रतीति क्यों होती है, यदि ऐसे ही सबसे आश्चर्य बार बार बोलते हैं कि वही तत्व सभी में अनुसूत है दृढ़ रूप में गता हुआ है, फिर हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता था, सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेय भगवत ऋतु सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेय दूरस्थ अंतिके चतत् अत्यंत सूक्ष्म अस्थि और वो इंद्रिय गम्य नहीं है, हमारा स्वभाव बन गया है क्या, इंद्रियों के द्वारा ही हम उसको ग्रहण करूँगा, वो जब तक वो स्वभाव नहीं मिटेगा इंद्रियों का ही वस्तु को अंतर नहीं देखूंगा, जब वो स्वभाव मिट जाएगा तभी समझ में आएगा, इसीलिए कि सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेय इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकते, इसीलिए क्या हो गया दूरस्थ अंतिके चतत् है ना, अज्ञानी व्यक्ति के लिए दूर से भी दूर है, जानने वाले तेरे ग्रंथ है ऐसा, हाँ जी 24-25 होगा वहाँ पे क्या बोला पहले कि सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेय दूरस्थ अंतिके चतत् सूक्ष्म के सूक्ष्मता के कारण उसका नहीं दिखाई पाता, तो वितथ मरीच उदक आदि भी वो मरीच उदक आदि वो मिथ्या होते हुए भी है ना वो सत्य जैसा क्यों दिखते हैं, है ना सब तथा वस्तु तो नास्ती है वे जब फिर मूल में आया है वितथ मतलब मिथ्या स्वरूप बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयं दूरस्थमन्ति के चतत् है ना बहिर देखो मतलब क्या है अंदर बाहर सब जगत वही व्याप्त है, यदि अंदर बाहर सब वही व्याप्त है बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च है ना वो चर भी है अचर भी है भूतानां चराचर भूतानां मध्ये मतलब यदि इतना ही है चराचर समस्त स्थावर जंगम भूतम वही तत्व विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञ परंतु दिखाई पड़ते हैं तुमको नहीं दिखाई पड़ते हैं परंतु देखने वालों को दिखाई पड़ते हैं, उनसे वहाँ पे बोले ठीक है ऐसे ही वहाँ पे है, यहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे मूल में आया है वितथ
तई एवं मरीचि उदक आदि भी उसी मूलज मरीचि उदक आदि के समान होते हुए, मतलब आदि भी मतलब साथ नहीं है, उसके सदृश उसके समान होते हुए कौन आपकी मुक्ति भी ऐसी स्थिति में आ जाएगा। मुक्ति लगेगा जैसा, और मुक्ति कैसा होगा, मरीचि उदक के समान, पकड़ने जाओगे हाथ में नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, प्यास नहीं बुझा पाएगा। मतलब क्या होगा, जिस निमित्त से आनंद के लिए आप साधन कर रहे हो, उस साधन से उत्पत्ति वाले वाला नाश वाला होगा तो वो तुमको हाथ लगने वाला है। कुछ देर के लिए थोड़ा प्रतीति होगी मात्र, इतना ही मात्र बोलते हैं। भीतर तही एवं मरीचि उदक आदि भी सदृशा है ना, जैसे मरीचि उदक आदि के समान, मतलब भ्रांति स्थल में जैसे आदि कहते हैं उसी के समान होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, मूल में है भीतर सही, तो उसी को अर्थ लिख रहे तई रे मरीचि उदक आदि भी, मतलब उसी के समान बराबर कैटेगोरी के है। सादृश्यम उसके सादृश्य का क्या हो गया, अद्दंतवत्तम वितथैर सदृश, सदृश क्या हो गया, अद्दंतवत्तम वो आदि अंत वाला हो गया। जब आदि अंत वाला होगा तो बीच में भी नहीं ही जाएगा, प्रतीति मात्र होता रहेगा। अद्दंतवत्तम इस प्रति को मन में रखते हुए आनंद गिरी जी अनुमान दे रहे हैं, इस पर विमता मोक्षादय विवादास्पद के मोक्ष आदि से कह लेंगे जो भी कोई स्वर्ग का फल फल के रूप में जो दिखाई पड़ते हैं, विमता मोक्षादय जो अलग अलग वादियों का अलग अलग कर्मों के फल जो नित्य करके सोचते हैं वो सभी को इसमें ले सकते हैं। न परमार्थ संत भवितुम अर्हन्ति, ये साध्य है, हो गया पक्ष कौन, विमता मोक्षाद विवादास्पद मोक्षादय हो गया पक्ष। साध्य क्या है, वो पारमार्थिक संत वस्तु हो नहीं सकता, परमार्थ संत भवितुम न अर्हन्ति, ठीक है, न परमार्थ संत भवितुम अर्हन्ति, वो पारमार्थिक संत वस्तु नहीं हो सकता, ये हो गया साध्य। आप हिंदी में लिख लीजिए इसका अर्थ, केवल पक्ष साध्य को लिखेंगे इसके इसमें व्यभिचार देंगे, पक्ष है विमता मोक्ष विवादास्पद जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, मोक्ष क्या वस्तु है, पर एक कोई बात ही बोलते पारमार्थिक वस्तु है, ठीक है, पर तो पारमार्थिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अद्दंतवत्वात् हेतु है, वो अद्दंत आदि अंत वाला वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता। पारमार्थिक सत्य मतलब क्या है, जो सत मतलब त्रिकाल अवतर तीनों काल में रहेगा वो हो गया पारमार्थिक सत्य वस्तु का व्यभिचार नहीं करेगा। अब तुम पहले बोल तो आदि अंत वाला है, वही सत्य तो यही है कि पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता, परमार्थ सत्य भवितु न अर्हन्ति, पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। हेतु क्या दिया, अद्यंतवत्वात् आदि अंत वाला होने के कारण, आदि अंत वाला होने के कारण दृष्टांत क्या दिया, मरीचि उदकादिवत, मरीचि के मरुभूमि में दिखाई दे रहा है पानी के समान, मरुभूमि में दिखाई दे रहा है पानी के समान, ठीक है, ये हो गया दृष्टांत, ये हो गया दृष्टांत, ठीक है। आपको दृष्टांतों में हेतु अनुमान सही है कि नहीं है तो देखने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, दृष्टांतों में हेतु और साधु बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, देखो। तो मरीचि उदक आपका दृष्टांत है, मरीचि उदक जो आदि अंत वाला होता है, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी, उसके पहले भी वहाँ पे पानी नहीं है, देखने के ज्ञान होने के बाद भी नहीं है, तो आदि अंत वाला हो गया। तो आदि अंत वाला जो भी जो आद्यंत वक्त जो हेतु है वो आपका दृष्टांत में बैठ गया। असाध्य क्या है कि पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, तो मरीचि उदक ज्ञान पारमार्थिक सत्य वो भी है, साध्य भी बैठ जाता है। हाँ, विवादास्पद जो मोक्ष है वो आपकी मान्यता क्या है, वो आदि अंत वाला है, तो क्या हो जाएगा, वो जो है साध्य सिद्ध हो जाएगा, मतलब वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं हो सकता। अनुमान क्या है, अनुमान यही तो अनुमान है, अनुमान मतलब ये जो है पक्ष साध्य हेतु के द्वारा जिस वस्तु को सिद्ध किया जाता है, अनुमान इसी को बोलते हैं। अनुमान मतलब इन्फरेंस, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम इन्फरेंस, अनुमान भी एक प्रमाण मानते हैं। जिस प्रकार आपको ऊपर बाहर के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आपको वहाँ तक जाना संभव नहीं हो रहा है, परंतु आप कभी भी अपने रंधनशाला में गए तो वहाँ पे धुआं देखा, वहाँ पे आग भी मिल गया, ये व्याप्ति ग्रह स्थान आपको दिखाना पड़ता है, होता है व्याप्ति, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ बनती, ये व्याप्ति आपके मन में बैठी हुई है। क्योंकि आपको कई बार पहले जमाने में ऐसे डाइनिंग हॉल और एक ही जगह पर रंधनशाला में बैठ करके सब भोजन वोजन करते थे, अब कई बार रंधनशाला में गए वहाँ पे आपको धुआं दिखाई दिया और वहाँ पे आग भी मिल जाते हैं, वो व्याप्ति ग्रह स्थान है वहाँ। अब जो है जब आपने कहीं दूर जगह दूर देश में गए
दूर से आपको धुआं दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पे सोचते हैं कि वहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अग्नि होगा, वहाँ पे अग्नि होगा। इस पर हम लोग एक बार पहाड़ में जंगल में खो गए थे रात भर, तो वैसे भटके, फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके एक गाय को दिखाई दिया। तो हमने सोचा कि गाय किसी गृहपालित जंतु है ना, तो किसी ना किसी गांव नज़दीक होगा। तब क्या किया, गाय का पूंछ को थोड़ा घुमाया, तो गाय जिस दिशा में दौड़ने लगा हम लोग उसी दिशा में चलने लगे, मिल जाएगा। ये देखो अनुमान प्रमाण कैसे काम करते हैं, अनुमान प्रमाण कैसे, उसमें उस समय यह नया दर्शन हमने नहीं पढ़ा था, उस समय तो शास्त्र ग्रंथ भी नहीं थे, परंतु ये जो है अपने आप ही होते, उसका अनुमान प्रमाण बोलते हैं। तो अनुमान प्रमाण मतलब ये व्याप्तिग्रह होता है, कहीं ना कहीं व्याप्तिग्रह होगा। क्या अब यहाँ पे भैया क्या व्याप्ति है, जो आदि अंत वाला होते हैं वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। कहाँ दिखाई दिया आपको, भ्रांति स्थल देख लो, किसी भी भ्रांति स्थल में देख लो, अच्छा व्यवहार व्यवहारिक जगत में भी देख लो, व्यवहारिक जगत में भी देख लो। आप सोचते हैं बाहर से अपने मेहनत की कमाई से आपने कोई पैसे से कोई वस्तु खरीद के लाया, आप सोचते हैं कि ये वस्तु मेरे पास हमेशा रहेगा, कुछ दिन में बिगड़ जाता है, ठीक ना पड़ता है, अथवा आपको उसको छोड़ के चला जाना पड़ता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो वो आदि अंत वाला ही होता है वस्तु। इस प्रकार से जो आदि अंत वाला होता है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, ये व्यवहारिक जीवन का अनुभव से व्याप्ति हमें ग्रहण है, ये व्याप्ति हमें पता है। अब जब मुक्ति भी यदि ऐसे आदि अंत वाला होगा तो भी कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं हो सकता। अनुमान को समझने की अलग बात है, उसकी भाषा अलग है, मतलब विषय वस्तु तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे पक्ष बनाया किसको, मोक्षादय विवादास्पद, मोक्षादय हो गया पक्ष, और साध्य क्या हो गया, पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं हो सकता, भोगी तो अपना योग्य नहीं है। क्यों, अत्यंत वत्वा आदि अर्थ वाला होने के कारण अदृष्टत्व क्या दिया, मरीचि उदक। तो मरीचि उदक जो है आदि अंत वाला भी है, वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है, और मोक्ष भी आपने आदि अंत वाला माना, तो फल क्या होगा, मोक्ष भी आपका पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं होगा। इस प्रकार से हनुमान के माध्यम से यह आनंद जी इसको समझा। छह नंबर टिप्पणी में देखिए, मोक्षादय, मोक्ष मतलब वादी भी फलत्वेन अभिमता, अलग अलग वादियों को मोक्ष अलग अलग प्रकार, जब जो भी जिसने माना, वादी भी वादियों के द्वारा फलत्वेन अभिमता है ना, मतलब फलत्वेन अभिमता मतलब कल्पिता, फल के रूप में स्वर्ग को मुक्ति मानते हैं, ब्रह्म लोक को मुक्ति मानते हैं, शिव लोक को मुक्ति मानते हैं, विष्णु लोक को मुक्ति मानते हैं, ये जो जो वादियों के द्वारा जैसे भी माना हुआ है वो सब यदि क्रियाशाद होगा तो अंत वाला भी होगा, पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकता है, पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकता है, ये कहने का अभिप्राय। अच्छा तो प्रश्न करते हैं, कथम तरे मोक्षादीनम अपि तथात्वम प्रथा, तब फिर ये मोक्ष आदि जो फल के रूप में तथात्व मतलब यथार्थम प्रथा प्रसिद्धि है ना, मतलब वर्तमान सति सत्यत्व विद्यमान भी दिखाई देता है, सत्य भी दिखाई पड़ते हैं, है ना, ये तथात्म से क्या लेंगे, मतलब बताते हैं सत्यत्व मतलब यथार्थ यथार्थम, वो सत्य कैसे प्रतीति होते प्रथम, मतलब इसकी इसके बोध को प्रसिद्धि कैसे हो गया, प्रथम तरी तब कैसे मोक्षादीनम अपि मोक्षो अथवा फल के रूप में अलग अलग वादियों के द्वारा जो भी कल्पना किया जा रहा है, तथात्म मतलब यथार्थम मतलब वो सत्य वस्तु है, ऐसे प्रतीति क्यों होती है, ऐसे प्रसिद्धि क्यों है, प्रसिद्धि है शास्त्र प्रसिद्धि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ पे, सोमम अपेवम अमृतम अभूवम, श्रुति वाक्य है ये, वेद वाक्य है ये, हम लोगों ने सोम रस पान किया तो अमृत हो गया, हम बताओ अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्य अमृतम स्मृति उपासना के द्वारा अमृतत्व, मतलब यहाँ पर जो अमृतत्व उस पर आया हुआ वो निरपेक्ष अमृतत्व नहीं है, सापेक्षिक अमृतत्व है, दो जगह पे अपीव सोमम अमृतम अभूवम, सोमरस को पान करके हम अमृत हो गए, मतलब स्वर्ग लोक में जाकर अमृत हो जाएंगे, ये स्वर्ग लोक के अमृत अमृतत्व और ब्रह्म लोक के अमृतत्व ये सब जो है मतलब आदि अंत वाला होने के कारण पारमार्थिक वस्तु नहीं है। इसलिए बोलते कथम तरी मोक्षादीनाम अपि तथात्व प्रथा, तब फिर मोक्ष आदियों का अलग अलग वादियों की जो अलग अलग मोक्ष संबंधित कॉन्सेप्ट है उसमें सत्यत्व बुद्धि क्यों हो जाता है, तथात्व प्रथा तो सत्यत्व की प्रसिद्धि क्यों है, लोग प्रयास करते हैं उसको, अधिकतर लोग उसी में लगे हुए हैं, वेदांत में कितने व्यक्ति हैं, अधिकतर लोग उसी प्रकार फल प्राप्त करने में लगे हुए हैं, इसलिए बताए तब तब क्या उत्तर दिया, अवितथा इव लक्षिता, क्योंकि वो जो है तथा मतलब यथा, अतथा मतलब जैसा नहीं है, और वितथा मतलब जैसा नहीं है उसका विपरीत,
कम अकम नाकम, कम मतलब क्या सुख, अकम मतलब सुख नहीं है मतलब दुख, और नाकम मतलब जहाँ पे दुख नहीं है सुख। नाकस्य पृष्ठ थे सुकृत अनुभुक्त है ना, वहाँ पे नाक मतलब ये नाक नहीं है मतलब स्वर्गलोक को बोलते हैं सुकृत अनुभुक्त है। यहाँ पे जो बी तथा, तथा मतलब यथार्थ, ठीक है ना, अभी तथा बी तथा मतलब जो वस्तु जैसे है उसको नहीं देखा, फिर अभी तथा फिर सत्य हो गया, दो नेगेटिव दे दिया, इसलिए वो सत्य जैसा लक्षित होता है, अभी तथा सत्य जैसा लक्षित होता है, ठीक है ना, मतलब मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसा प्रतीति होती है, मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसा प्रतीति होती है, इसलिए बोलते हैं अभी तथा। अब देखिए लक्षिता उसको ऊपर टीका कर क्या लिखते हैं, मूढ़े अविचारक हित शेष, सभी व्यक्ति को नहीं होता, अभिवेकी व्यक्ति लोग उसको सत्य मान लेते हैं, अभिवेकी व्यक्ति उसको सत्य मान लेते हैं, इसलिए लक्षिता मूढ़े मूढ़ व्यक्ति को होता अविचारक हित शेष। अब बोलो वाली शंकर अभिवादी बोलते हैं उषा उदकादीनाम स्नान पानादि प्रयोजन अनुपलम्भात, ठीक है ना, मोक्ष स्वर्गादीनाम तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलम्भात न मोक्षादि वैतत्वमिति आशंका आह। देखिए पूर्वज क्या बोलते हैं, देखो भाई आप जो है उल्टा उल्टा दृष्टांत तो दे देते हो, क्यों, मरुभूमि में दिखाई दे रहा जो पानी है उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल सही बोला आपने, उसका स्नान भी नहीं होता, पान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता स्नान, परंतु मुक्ति स्वर्ग जाने से तो सुख प्राप्ति होती है, इसीलिए आप कैसे दोनों एक हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि उषर उदक आदि नाम उषर उदक में अथवा अन्न के मोक्ष फल में स्नान स्नान आदि प्रयोजन अनुपलम्भा हेतु दे दिया, स्नान स्नान आदि का प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होने के कारण वो मिथ्या है ये बोलना तो आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, निष्प्रयोजन वस्तु मिथ्या है ये तो कह सकते हैं, परंतु स्वर्ग आदि से तो प्रयोजन सिद्ध होता है, शास्त्र विधान करते हैं, उसको मिथ्या कैसे बोल रहे हो, इसलिए बोलता है उपलम्बन, परंतु मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तू ये तू बीच में दिया, तो मतलब दोनों के विलक्षणता को दिखाने के लिए, मतलब मरीची उदक का स्वर्ग मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तू मतलब कोई मोक्ष को स्वर्ग आदि फल के रूप में जो भी कल्पना किया तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन उपलम्भा प्रतिलम्भा, सुखादि प्राप्ति के प्रयोजन मतलब हेतु के रूप में वहाँ पर प्रतिलब्ध होने के कारण न मोक्षादि वैतत्व मोक्ष अथवा कोई फल वो मिथ्या नहीं है इति आशंका, ऐसा कोई शंका करते हैं तो उसको उत्तर में कहते हैं, उसको उत्तर में कहते हैं ठीक है, अरे जो तुम सोच रहे हो ना वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा, तुम जैसा तुम्हारा स्वप्न मतलब मरीची उदक से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता है, अब बताओ तुम जो सुख चाहते हो वो एक घंटा की सुख, एक दिन की सुख, एक महीना की सुख, एक साल की सुख अथवा दस क्या सुख चाहते हो, कौन सा सुख चाहते हो तुम, निरंतर सुख चाहते हो और हमेशा के लिए चाहते हो, क्या कोई भी कर्म का फल हमेशा सुख दे पाएगा आपको, नहीं, तो यही तो सबसे बड़ी गलती हुआ, चाहता हूँ नित्य सुख और अवलंबन करता हूँ अनित्य साधन, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट में गलती हो जाता है, चाहता हूँ नित्य आनंद में रहूँ और सार अनित्य साधन को अपनाता हूँ, ये नहीं हो पाता, इसलिए युद्ध की प्रयोजन मतलब ये लिखने के कारण ही आपको आनंद की टीका जो है इन दोनों श्लोक का यहाँ पे क्या उपयोगिता है वो समझाने के लिए अच्छा नहीं तो समझना मुश्किल पड़ता है, है ना, भाष्यकार एक शब्द लिख दिया आनंद के लिए शंका उठा रहे हैं उषर उदक आदि नाम स्नान पाना प्रयोजन अनुपलम्ब माना हेतु है ना, क्योंकि उषर उदक से तो कोई आपका स्नान करता प्रयोजन मतलब निष्प्रयोजन होने के कारण वो मिथ्या मान लिया गया, परंतु मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तो अन्य वादिक सिद्धांत जो मोक्ष है वो स्वर्ग उपलम्ब लोग जो भी कोई लोग हो, परंतु उसका तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन उपलम्ब सुखादि प्राप्ति के कारण से साधन के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है, न मोक्षादि वैतत्व से मोक्ष अथवा कर्म का फल स्वर्ग आदि वो मिथ्या नहीं है, वो मिथ्या नहीं है यदि आशंका ऐसा तो शंका करते हैं उसके उत्तर में बोलते हैं क्या बोलते हैं, सब प्रयोजनीयता तेषाम स्वप्ने भी प्रतिबद्ध, वो जो तुम सोच रहे हो ना जब तक इस मिथ्या स्वप्न काल में रहोगे अन्यथा ग्रहण होगा उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा, सब प्रयोजनीयता तेषाम स्वप्ने भी प्रतिबद्धते तस्मात् आद्यन्तवर्तेन मिथ्यैव खलु स्मृता, वो मिथ्या है ऐसा निश्चय स्मृति होती है। अब यहाँ पे देखिए तीन नंबर और चार नंबर टिप्पणी, तीन नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं, प्रयोजन अनुपलम्भात इति
कोई प्रयोजन की सिद्ध नहीं होता इसलिए थी तथा च निष्प्रयोजनत्व उपाधि इति भाव टिप्पणी करते हुए एक शब्द मतलब आपने जो अनुमान के आनंद के लिए जो अनुमान दिया है क्या दिखा अनुमान दिया विवाद विमतम मोक्षादय न परमार्थ सत्य भवित्व अर्हन्ति आत्मतत्व मरिचुतक माला गला करके लिखा पक्ष साध्य हेतु और दृष्टांत। अब जो है यहाँ पे एक इसका एक सिद्धांत का अनुमान है और पूर्ववादी इसमें दोष दे रहा है। पूर्ववादी दोष दे रहा है क्या दोष है तुम्हारे अनुमान में उपाधि दोष है। क्या उपाधि दोष है निष्प्रयोजनत्व जिसको बोलते हैं पे निष्प्रयोजनत्व उपाधि रीति भाव वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे तुम्हारे अनुमान में निष्प्रयोजनत्व रूपी उपाधि उपाधि मतलब व्याप्ति आपका यथार्थ नहीं है। आपने क्या व्याप्ति दिया व्याप्ति क्या दिया हमारे यहाँ पे जब जब अद्यंतवत तद न पारमार्थिकम है ना जब पारमार्थिक स न भवती स अद्यंतवत जो हमारा जैसे जहाँ जहाँ धुआं वहाँ पर्वत वन्यमान धुआं तो जहाँ धुआं वहाँ वन्य ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो आदि अंत वाला होगा वो पारमार्थिक सत्य नहीं भी हमारी व्याप्ति है। आनंद गिरी जी के अनुमान में व्याप्ति क्या है जो आदि अंत वाला होता है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं होता है ठीक है। पूर्ववादी बोलते आपका व्याप्ति सही नहीं है जो निष्प्रयोजन होता है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। जो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ये व्याप्ति बोलो ना उपाधि का परिभाषा क्या है साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्वम उपाधि का जो परिभाषा है उपाधि किसको बोलते हैं साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्वम साध्य का व्यापक होगा साधन का अव्यापक होगा साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक साध्य क्या है हमारे अनुमान में साध्य क्या है परमार्थ सत्य भवितुम में पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। इसका व्यापक क्या हो जाए साध्य का व्यापक होगा मतलब निष्प्रयोजन जो वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं होता वो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता। पूर्ववादी ये कहना चाहते हैं ठीक है पूर्ववादी ये कहना चाहते हैं आपका अनुमान में व्याप्ति सही नहीं है व्यापकता सिद्धि बोलते हैं यहाँ पे व्याप्ति सही नहीं तो क्या सही व्याप्ति है बोलते हैं जो आदि अंत जो आपका पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं होता वो क्या होता है प्रयोजन कोई प्रयोजन हाँ ये हो गया साध्य व्यापकत्व सत्य पूर्ववादी कहने और साधन अव्यापकत्व साधन क्या हेतु क्या है हमारे यहाँ पे हेतु तो जहाँ आद्यंत वक्त है वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए परंतु जो आदि अंत वाला होता है वो भी तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता तो वहाँ पे बैठ रहा है ये यानी कि हमारा व्याप्ति की परिभाषा को पूर्ति नहीं कर पाते। यहाँ पे जैसे टिप्पणी कर लिख रहे हैं निष्प्रयोजनत्व उपाधि इति भाव चार नंबर आह उपाधि साधन व्यापकत्व आह अब क्या देखा है चार नंबर टिप्पणी उपाधि क्या होना चाहिए था साधन का व्यापक होना चाहिए था क्या साधन का व्यापक हो गया इसीलिए आपको उपाधि सही नहीं है। पूर्ववादी जब बोल रहे हैं तो अहम तो सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत क्या उत्तर दे रहे हैं होना क्या चाहिए था साध्य व्यापकत्व से थी साधन अव्यापकत्व मतलब हो क्या रहा है साध्य का भी व्यापक हो गया साधन का भी व्यापक हो गया ये तुम्हारे अनुमान में ये गलती हो तुम्हारी मतलब दोष तो नहीं मैंने तुम्हारी उपाधि दे रहे हो तुम्हारी उपाधि में ये दोष आ रहा है। उपाधि का परिभाषा है साध्य व्यापकत्व से थी साधन अव्यापकत्व ठीक है मतलब साध्य का व्यापक होगा साधन का अव्यापक होगा ठीक है। अब जो है आपका अनुमान में जो आपने उपाधि दोष दिया वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है वो साध्य का भी व्यापक हो रहा है और साधन का भी अव्यापक नहीं व्यापक हो रहा है फल तुम्हारी उपाधि लगी उपाधि लगना कि नहीं लगना इसको देखने के लिए छोटे में देखने में लिए आपको यहाँ पर तो उपाधि गलत दे दिया इसीलिए हमें घटेगा नहीं होगा कहीं जगह पर आएगा पहले कहीं आया हुआ है दृष्टांत में बैठना चाहिए और पक्ष में नहीं बैठना चाहिए। उपाधि सही है कि नहीं है वो देखने के लिए उपाधि को दृष्टांत में बैठना चाहिए और पक्ष में नहीं बैठना चाहिए। दृष्टांत क्या है यहाँ पे मरीचिका वो वहाँ पे देखिए आपका निष्प्रयोजनीयता तो बैठ जाएगा उपाधि परंतु मोक्ष आपने बोला जो मोक्ष है वो निष्प्रयोजन नहीं है इसलिए क्या वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए पर वहाँ भी बैठना है वो सिद्ध नहीं कर पा रहे इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका ये अनुमान जो है वो कहता कि आपने अनुमान किया क्या अनुमान किया
कि मोक्षादय विमतम मोक्षादय न प्रयो परमार्थ संत भवितुम अर्हंती अत्यंत गत्वा मरिचु दगवत। तो यहाँ पे उसने दोष क्या दिया था, उपाधि दोष, व्याप्ति में अशुद्धि। व्याप्ति क्या दिखाया था, वो जो मतलब परमार्थ सत्व वस्तु नहीं था, वो इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता है। और साध्य हो गया साधन का, साध्य का व्याप हो गया, और साधन हमारा हमारा हेतु क्या हो गया, हेतु तो वहाँ पे अद्यंत तत्व जो आद्यंत वाला होते हैं वो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता। तो साधन में बैठना नहीं चाहिए था, परंतु वहीं बैठ रहे हैं। इसलिए जो है आपका मतलब जो उपाधि दोष आप दे रहे हैं, ये उपाधि दोष हमारे अनुमान में नहीं लगता, ये हमारे अनुमान में नहीं लगता। उसको मन में रखते हुए केवल छोटा सा एक शब्द लिख दिया कि उपाधि, उपाधि का साधन व्यापकत्म आह, उपाधि में साधन अव्यापक होना चाहिए, परंतु उधर उपाधि क्या हो गया, साधन का भी व्यापक हो गया, मतलब हेतु का भी व्यापक हो गया। जो आदि अंत वाला होता है वो निष्प्रयोजन होता है हमारी मान्यता के अनुसार, हमारी मान्यता को, इसलिए तुम्हारी उपाधि सही नहीं है। इसी को मन में रखते हैं, दूसरा श्लोक बोले, इसका मन में रखते हैं दूसरा श्लोक, स्व प्रयोजनता तेषां स्वप्ने भी प्रतिबद्धन्ते तस्माद् अत्यन्तवत्तेन मिथ्यैव कर्मस्मिता। तेषां, तेषां मतलब क्या हो जाएगा, स्वप्रेतेषां मोक्षादीनाम इति यावत्। पांच नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, मोक्षादीनाम मतलब स्वप्नानाम इति अर्थ। मोक्ष भी क्या हो जाएगा, अन्यथा ग्रहण हो जाएगा, स्वप्न में तो अन्यथा ग्रहण होगा। हमारे ध्यान देना, जो परिभाषा दिया है उस प्रकार से आप देखिए, स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण, अग्रहण इस निद्रा सुप्ति, अन्यथा गृह्णते स्वप्न निद्रा तत्त्वम् अजानत विपर्यासे तयोर्क्षीणे तुरीयं पदम् अश्नुते। कहाँ ठहरा था, हम तो आगम प्रकरण में देखो, चौथा या पंद्रह नंबर को श्लोक होगा, अब हम आगम प्रकरण में, आगम प्रकरण में अन्यथा गृह्णता स्वप्न निद्रा तत्त्वम् अजानत विपर्यासे तयोर्क्षीणे तुरीयं पदम् अश्नुते। कितना नंबर, 59। इस पुस्तक में एक सुविधा है, आप श्लोक को ढूंढना चाहते हो पीछे देखो, सूची दिया है श्लोक का, पेज भी दिया हुआ है इसका लास्ट में, ठीक है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे मिथ्या मतलब हमारा मिथ्या की परिभाषा का अन्यथा ग्रहण, ये अन्यथा ग्रहण हो जाएगा। तेषां मोक्षादीनाम इति यावत्, यहाँ पे मोक्षादीनाम स्वप्नानाम मोक्ष भी तुम्हारी तरह क्या हो जाएगा, अन्यथा ग्रहण हो जाएगा तुम्हारा। क्यों, जिस स्वप्न की तरह हो जाएगा, क्यों, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सुख मिलेगा इससे पारमार्थिक, परंतु पारमार्थिक सुख मिलने वाला नहीं, नाश हो जाएगा कुछ दिन में, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं। पुनरुक्ति आशंका बार व्यक्ति, आपने तो वैचत्य प्रकरण में श्लोक को बोल कर कहा था, यहाँ दोबारा क्यों बोल रहे हैं आप, वैचत्य प्रकरण में जब इस श्लोक को कह करके आया, यहाँ पे फिर दोबारा क्यों बोल रहे हैं, बोलते वहाँ पे तो जागृत और स्वप्न अवस्था को लेकर के बोला था, यहाँ पे बंध और मुक्ति को लेकर के बोल रहा, ठीक है, वहाँ पे जागृत और स्वप्न को लेकर के बोल रहे थे कि जागृत भी स्वप्न की तरह मिलता है, इसको इसको प्रतिपादन करने के लिए इस श्लोक को कहते हैं, यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे बंधन और मुक्ति भी, वहाँ भी कोई पारमार्थिक वस्तु है, इसे बनाने के लिए बोल रहे हैं। वैतथ्य कृत व्याख्यानो श्लोकौ, वैतथ्य प्रकरण में दोनों श्लोक का व्याख्या हो गया, यह यहाँ पे संसार मोक्ष अभाव, संसार से कह लेंगे बंधन ही बढ़ता, बंधन और मुक्ति के अभाव के प्रसंग में यहाँ पे पढ़ा गया है, पठितो श्लोको पठितो। अच्छा, फिर आगे देखिए बोल रहे हैं, किंच येन हेतुना स्वप्नस्य मिथ्यात्वम् इष्टम् तस्य जागृते अपि तुल्यत्वात् जन्मादि रहितं संवित् मात्रं तत्त्वम् इष्टव्यम् इति विवक्षित्वा आह। ठीक है, अब आनंद गिरी जी अगला श्लोक, सर्वे धर्म मिशा सर्वे, उसको श्लोक के लिए उपदघाती है कि किंच, और भी क्या है कि बंधु मोक्ष दोनों ही मिथ्या है, क्यों बोलता हूँ, ये न हेतुना, जिस कारण से स्वप्नस्य मिथ्यात्वम् इष्टम्, स्वाप्निक वस्तु मिथ्या, ये सभी का अभिष्ट है, स्वप्न में देखा गया वस्तु मिथ्या है, ये सभी वादी मानते हैं। तो इष्टम तस्य जागृत भी तुल्यत्व, वो हेतु तो जागृत में भी बैठा हुआ है, जागृत में भी वही हेतु बैठा हुआ है, इसलिए बोलता है तस्य जागृत जागृत अपि तुल्यत्व, इसलिए जन्मादि रहितम, इसलिए जन्म आदि से मृत्यु उत्पत्ति नाश से रहित संवित मात्र, केवल ज्ञान मात्र ही
तत्व ही पारमार्थिक तत्व है, इष्टव्यम यही हमारी अभिष्ट है, इति विवक्षित। इसी को मन में रख करके मांडू को करके कर अगला श्लोक बोल रहे हैं, इति विवक्षित। ठीक है, देखिए कितना सुंदर देखिए जी श्लोक के संबंध को अच्छा समझा रहे हैं। और भी देख लो, ये न हेतु न स्वप्न मिथ्यात्मिष्ट, जिस कारण से आपने शाब्दिक वस्तु को मिथ्या कहते हो, तस्य जागृत भी तुल्य था, वो हेतु जागृत में भी बैठा हुआ है। मुख्य हेतु क्या है? दृश्यत्वात्, जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, ये सारे हेतु है स्वप्न में, उसे मिथ्या नहीं बताए। और फिर बताए अदृश्यत्वात्, अथावत कालत्वात्, ये सारे कितना हेतु वैतत्व है, सारे भी ऐसे है। एक बड़ा और नंबर बोल दिया, एक है दृश्यत्वा, दृश्यत्वा, जड़त्वा, विकारित्वा, और अयथार्थ कालत्वा, अयथार्थ देशत्वा, कितना हेतु दिया सामने पर, वो सारा जगह तुम बैठा हुआ है। यहाँ पे जो है, मैं इस चीज को मैंने अयथार्थ देश, इस चीज को आप अच्छी तरह वहाँ पे बोलेंगे, है ना, कि क्या बोला आपने, सापनिक वस्तु सत्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? कमरा बंद करके कमरे में सोया हुआ है और आप कमरे के अंदर हिमालय पहाड़ देख रहे हैं, जहाँ पे होना संभव नहीं है वहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है। और फिर बोलते हैं वो कमरे में भी नहीं है आपका हृदय, कि मन में बैठा हुआ है, मन तो और छोटा हो गया, वहाँ पे कैसे रहेगा वो? और यथार्थ तो देश में दिखाई देने के कारण सापनिक वस्तु मिथ्या है, और यथार्थ तो काल भी है, मतलब यहाँ पे सोया सोया हमने उत्तरकाशी में एक सेकेंड में पहुँच गया, नर्मदा तट पर घूम रहा है, है कि नहीं? तो कहाँ काल गया? और यथार्थ तो काल में सोया रात में दिखाई दे रहा है दिन में, और यथार्थ तो देश, और यथार्थ तो काल, इसके कारण से सापनिक वस्तु को मिथ्या बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, क्या और यथार्थ तो देश आप कैसे बोल रहे हो? हिमालय तो बाहर दिखाई पड़ते हैं, वो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे वो वस्तु होना संभव ही नहीं है। बाहर तो केवल मात्र एक निर्विकार कूटस्थ नित्य तत्व विद्यमान है, कूटस्थ नित्य तत्व विद्यमान है, वहाँ पे ऐसा विकार कैसे दिखाई दे? इसको मन में रखते अगला श्लोक को बोल रहे हैं, सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने, सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने, काय संतर निदर्शना, काय संतर निदर्शना, संवृत्ते तत्संवृत्तस्मिन् प्रदेशे वै, संवृत्तस्मिन् प्रदेशे वै, भूतानां दर्शनं कुतः, भूतानां दर्शनं कुतः, सर्वे धर्मानुषा स्वप्ने, कायस्यान्तर्निदर्शनात्, संवृत्तस्मिन् प्रदेशे वै, भूतानां दर्शनं कुतः। स्वप्न में सर्वे धर्मा, जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है साधर्मा पे जीव को बोल रहे हैं, धर्मा मृषा स्वप्न, स्वप्न काल में सभी वस्तु मिथ्या होता है। क्यों? कायस्य अंतर निदर्शना, शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण। एक नंबर टिप्पणी में देखिए, कायस्य अंतर निदर्शन स्वप्नः भावा वितथा भवितुम अर्हन्ति अंतर उपलभ्यमानत्वा दर्पणस्थ उपलभ्यमान नगराधिपत इति अनुमान मात्र सूचित। टिप्पणी का क्या एक लाइन में अच्छा समझा दिया, कायस्य अंतर निदर्शन, इसके ऊपर एक नंबर टिप्पणी है ना, क्योंकि शरीर के अंदर जहाँ पे जो देखना संभव नहीं है वहाँ पे यदि वो वस्तु दिखाई दे, जहाँ पे जो वस्तु होना संभव नहीं है वहाँ पे यदि वो वस्तु दिखाई दे, उस वस्तु का मिथ्या कहते हैं। टिप्पणी का क्या बोलता है, कायस्य अंतर निदर्शना, शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण, मतलब क्या हो गया, स्वप्ना भावः, स्वप्न से संबंध रखने वाले जितना भाव वस्तु है, वितथा भवितुम अर्हन्ति, मिथ्या होना ही युक्ति संगत है। क्यों? अंतर उपलब्ध मानत्वा, शरीर के अंदर छोटे स्थान में, अंतर मतलब छोटे स्थान में उपलब्धि होने के कारण, दृष्टांत क्या दिया, दर्पणस्तु उपलभ्यमान नगर आदिवत विश्वम दर्शन विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी दुर्लभ, निज अंतर्गत उसको उठा करके दे दिया, दर्पण के अंदर पूरा एक जो है नगर दिखाई देने के समान, जब तक वहाँ होना संभव है। दर्पण दृष्ट प्रतिबिंबवत, दर्पण दृष्ट प्रतिबिंबवत, वहाँ पर वस्तु दिखाई देता है, मन तो मारा मटे नहीं है वहाँ,
अब क्यों है उसको बोला समृद्ध अस्मिन प्रदेशे, समृद्ध मतलब छोटा सा इस जगह में, समृद्ध अस्मिन प्रदेशे सम्यक उससे आवृत है ना, इस देश में वही भूतानां दर्शन भूत, समस्त भूत का दर्शन आप कैसे हो सकता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये समृद्ध अस्मिन दोनों, एक हो गया स्वप्न में क्या है छोटे से इस हृदय में वो इतना बड़ा चीज होना कैसे संभव है, दृष्टांत में लगाएंगे, दृष्टांत में क्या होगा निर्विकार निर्विकार कूटस्थ नित्य वस्तु में ये नाम रूप देखना कैसे संभव है, कैसे होना संभव है, निर्विकार कूटस्थ ब्रह्म में नाम रूप की उत्पत्ति कहाँ से संभव है, हम आजाद बात को पढ़ रहे हैं या फिर माया को अलग कर दो बिल्कुल, वहाँ होना कहाँ संभव है, इस एरिया में बोलते हैं समृद्ध अस्मिन प्रदेश में भूतानाम दर्शन भूत, भूतों के दर्शन कैसे हो सकता है। अच्छा देखिए आगे जो है यहाँ पे टीकाकार लिखते हैं यदि देहांता 35 हो गया, ठीक है तो आप ध्यान देते हैं कल देखेंगे इसको, क्योंकि अच्छा कल तो 18 तारीख है, 17 हाँ कल 17-18 दो दिन प्राप्त होगा, शिवरात्रि की तो सुबह पाठ रखना सुखा तो नहीं है, हमारा शिवरात्रि कार्यक्रम तो रात में होता है, सुबह 7-8 बजे तक कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद तो फिर लंबा ही होगा थोड़ा सा, इसका जो यहाँ पे कंक्लूजन होगा ना वहाँ पे करके छोड़ देंगे। अच्छा कितना इस चित्त को जब एक बार मन में धीरे बैठ जाता है ना तब देखना जागतिक वस्तु आपको परेशान नहीं करेगा, निश्चय हो गया कि अरे मिलता ही है, ये प्रतीति मात्र है, कहाँ तक प्रतीति है, यहाँ तक प्रतीति है, जो इस शरीर रक्षा करने के लिए जो भी जागतिक वस्तु संबंधित हम चिंता करते हैं ना, इसकी रक्षा की भी इच्छा होगी, प्रारब्ध जो भी करेगा करेगा, मान को सामान्यता देगा क्या बस, आप ये भी तो है नहीं, ये तो प्रगति हुआ उसके भी क्या प्रारब्ध है, रक्षा भी क्या करना है, अथवा रक्षा करना है तो प्रारब्ध जैसा रक्षा करेगा करेगा, उसको लेकर क्या चिंता करना, आप बिल्कुल निश्चय हो जाएगा, बिल्कुल निश्चय हो जाएगा। आज पहला वाला अगति जगन्मतां प्राप्य देकं धनेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुक्ते क्षणानां प्रणत भय भय विहन्ति ब्रह्म यत्तन्न नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुवादेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।